कोविड का एक नया वेरिएंट पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम इस नए कोविड वेरिएंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, कोविड डिजीज़ की सीवियरिटी पर, जो इसके कारण होती है। दूसरा, ये कितनी आसानी से और तेज़ी से फैलता है। और फिर तीसरा, ये हमारे वैक्सीन के लिए कितना रेजिस्टेंट है या कितना वैक्सीन का इस पर असर होता है। इस वीडियो के अंत तक हम ओमिक्रॉन के बारे में कुछ ज़रूरी बातों पर डिस्कस करेंगे। छब्बीस नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना वायरस के एवोल्यूशन को स्टडी करके एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि वेरिएंट B.1.1.529 में बाकी कोविड वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा म्यूटेशन होता है, जो उसके बिहेवियर पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके कारण गंभीर बीमारियाँ होती हैं और ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस के इस नए वेरियंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये कितना इफ़ेक्टिव है, ओमिक्रॉन अब तक कहां कहां तक फैल चुका है, अगर ये किसी को हो जाता है तो वो बंदा किस हद तक बीमार पड़ सकता है, वैक्सीन का इस पर कितना असर है। और इसके साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का सबसे पहला केस रिपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद WHO द्वारा ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? डेल्टा वेरिएंट को इंडिया में सबसे पहले दिसंबर 2020 में रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद अब तक दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी ओर ओमिक्रॉन पिछले दो दिनों में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग से उठकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न तक जा पहुंचा है। किसी भी कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब डिक्लेयर करते हैं जब उस वायरस में हायर वायरल लोड हो, इन्फेक्शियसनेस की लॉन्गर ड्यूरेशन हो, उस वायरस से दोबारा इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस हो और उस वायरस में नेचुरल इम्यूनिटी से बचने की कैपेसिटी हो। हाँ, ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें ओमिक्रॉन के इंटायर जेनेटिक सीक्वेंस के बारे में, तो इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है। स्पेशली ओमिक्रॉन ने पिछले वेरिएंट बीटा, गामा और डेल्टा से कई की म्यूटेशन शेयर किए हैं, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन पे वैक्सीन का कम असर हो सकता है। वैक्सीन से हमारे बॉडी में वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर तीन रीजन को टारगेट करती हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में इन्हीं तीन रीजन्स में म्यूटेशन देखा गया है। उसके साथ ही म्यूटेशन इसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने के लिए ACE2 रिसेप्टर से टाइटली बाइंड करते हैं और फ्यूरोन क्लीवेज साइट को ट्वीक करके सेल्स में बड़ी आसानी से एंटर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ तक फैल चुका है? कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के केसेस अब तक लगभग 25 देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। WHO के टॉप साइंटिस्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में अपने पिछले इन्फेक्शन से 3 गुना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है। मतलब कि ये पिछले इन्फेक्शन से खुद को मॉडिफाई करके नेचुरल इम्यूनिटी को ओवरकम करने में कैपेबल बन रहा है। प्रिलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट करता है कि ओमिक्रॉन के साथ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को पहले COVID-19 था, वे ओमिक्रॉन के संपर्क में आने से दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे हेल्थ पर कितना इफेक्ट करेगा? अब तक इस मामलों से मिली जानकारी से हमें ये पता चलता है कि इस वायरस की वजह से हमारे हेल्थ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड के लिए ये मान लिया जाए कि आपके पास एक वायरस है जो सुपर संक्रामक है, लेकिन हम पर इसका असर सिर्फ सर्दी से ज़्यादा नहीं है। फिर भी इसके तेज़ी से बढ़ते मामलों की वजह से ये इमेजिन किया जा सकता है कि जब एक साथ सब बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर का इस पर कितना ज़्यादा असर होगा, और कमज़ोर लोग जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, बच्चे, बूढ़े, इन सब का प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वायरस का हम पर काफ़ी बुरा असर हो सकता है। बात करें डायग्नोस्टिक के बारे में, तो वाइडली यूज किए जाने वाले PCR टेस्ट पे
एस जीन के एब्सेंस से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए ये मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रेजेंट कोविड 19 ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल अब इफेक्टिव नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौजूदा पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन मेजर्स जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, बाहरी साफ़ सफाई और अंदर की साफ़ सफाई करना, ये जो पिछले वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी उतने ही इफेक्टिव होने चाहिए। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर मिलेंगे आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।